हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली क्या है? अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। क्या है उनकी रियल ट्रू फीलिंग्स आपके लिए? तो चलिए उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें आप। साथ में यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लीजिएगा कि वो आपको शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस से आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। और प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। टाइम लेस है, ठीक है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पार्टनर कुछ बातों को लेकर क्लियर करना चाहते हैं, चाहे इनका जाना हो या आप दोनों के बीच किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी बात को लेकर आपके पार्टनर क्लियर करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपके पार्टनर को अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है, इनका थॉट्स में देख पा रही हूँ, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, पर ये पर्सन रेडी है आपका प्यार पाने के लिए। अगर आपके पार्टनर ये स्ट्रगल करके आपको पा लेते हैं, आपका प्यार पा लेते हैं, आप दोनों एक दूसरे का हो सकते हो, तो ये पर्सन रेडी है इस स्ट्रगल के लिए। तो ये मुझे फर्ज करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दिए हैं। और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स? नई शुरुआत, वाओ। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, या अभी तक जो ये पर्सन अपने फीलिंग को होल्ड करके बैठे हैं, आई थिंक फैमिली की वजह से है। फैमिली रीजन हो सकती है, फैमिली नहीं मान रही, ऐसा हो सकता है, या तो फैमिली को मना रहे हैं, ये पर्सन फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं, और जैसे एक्सेप्टेंस मिलता है ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। ये पर्सन जल्द ही आपको ऑफर करने वाले हैं, ये पर्सन आपको बेस्ट फ्यूचर देना चाहते हैं, इनके पास अलग ही प्लान है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फैमिली चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। ये पर्सन के लिए आप इनकी फैमिली हो, कोई अदर नहीं हो। ये आपको बताना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं, आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि तुम मेरी फैमिली हो ऑलरेडी, मैं तुम्हें अपना फैमिली मानता हूँ, मानती हूँ, कोई और नहीं हो तुम, तो ये बात जान लो। अगर कोई मेरे हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं तो वो सिर्फ तुम ही हो। आपके पार्टनर ऐसे बातें आपसे कर सकते हैं, इनके दिल में ये सब चल रहा है। और क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा है, या तो उन्होंने इनको डांट फटकार दिया है, ठीक है। तो आपके पार्टनर मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तो आपके साथ फाइट हो गए हैं, आपका जो एनर्जी है काफ़ी डोमिनेटिंग, काफ़ी अब्यूजिंग ऐसा हो सकता है, या तो आपका जो एनर्जी काफ़ी क्रूअल है, तो प्लीज़ थोड़ा सा देखिए, क्योंकि इस पर्सन को काफ़ी हर्ट कर रहा है, काफ़ी दर्द दे रहा है इस पर्सन को, ठीक है, इनको बुरा लग रहा है। अगर आप काफ़ी रूडली रफली इनको ट्रीट कर रहे हो, इनसे बात कर रहे हो, या तो पास्ट में ऐसा किया है, तो ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं आपके वर्ड्स को, आपकी बातों को, ये पर्सन आज भी रो रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप सही से इनको ट्रीट करो, प्यार से इनको हैंडल करो। और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, आप सही से पेश आते हो, इनसे हमेशा सही से ट्रीट करते हो, काफ़ी सॉफ्टली बात करते हो इनसे, तो ये किसी और की एनर्जी हो सकता है, इनके फैमिली का, फैमिली में किसी मेंबर का, ठीक है, कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको, आपके रिश्ते को, इसलिए पर्सन रो रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, बस आपके साथ नई शुरुआत हो जाए, यही दुआ कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में? और क्या है इनकी फीलिंग्स? आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, क्लैरिटी का, एक नई शुरुआत का, आपके यूनियन का, मैरिज का, या एंगेजमेंट का, आप दोनों कब साथ में आओगे, आपकी मीटिंग कब होगी इसका? आपके पर्सन मीटिंग करना चाहते हैं, प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं, या तो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं, या रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं इस दिन का, इनको इनकी गट फीलिंग्स कहती है, इनको लगता है एक दिन आप दोनों जरूर साथ में आओगे। तो इस पर्सन को इंतज़ार है उस घड़ी का, जब आप दोनों साथ में आओगे, उस गोल्डन मोमेंट का, जब आप दोनों करीब आओगे, आप दोनों साथ में आओगे, आप दोनों के रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा, यहाँ पर लवर्स और यहाँ पर सिक्स ऑफ वांड्स। वाओ,
तो इस पर्सन को इंतज़ार है एक नई शुरुआत का, आपसे यूनियन का, आपसे मीटिंग का, आपसे आपके साथ रिश्ते में सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं कंटिन्यूसली, आपका आने का। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपसे मिलने का, या आप कब इस पर्सन के लिए स्टैंड लोगे, एक्शन लोगे अगर आपको लेने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप एक मेल हो तो, या आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स देख पा रहे हैं, ठीक है। मदर के साथ आप मीटिंग करा सकते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। और क्या सोच रहे पर्सन आपके बारे में, ये पर्सन ना ये भी चाहते हैं कि आप अपने केयर में कुछ करो, स्टेबिलिटी लाओ। अगर आपका केयर स्टेबल नहीं है तो अपने कैरियर में स्टेबिलिटी लाओ, अपने कैरियर पर फोकस करो। अगर आपका फोकस कैरियर पर नहीं है तो आप कुछ करो जिससे जिससे आप दोनों एक नई शुरुआत कर सको, जिससे आप दोनों शादी कर सको, आप दोनों साथ में आ सको। कैरियर जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने कैरियर पर फोकस करो। ये इस पर्सन की फीलिंग्स देख पा रही हूँ मैं। और क्या सोच रहे हैं पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में, उदास हैं गाइस, बहुत उदास हैं, बहुत मायूस हैं। आपके बारे में खबर लेते रहते हैं और कुछ ऐसा खबर मिले हैं कि उदास हैं ये पर्सन। आई थिंक आपके लिए रिश्ता है या आप किसी और के साथ हो, ऐसा कुछ सुनने को मिला है इनको। ये पर्सन मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन इनसिक्योर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच क्या पॉसिबिलिटीज हैं नेक्स्ट होने का, क्या हो सकता है आगे इनके और आपके बीच, आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है आप दोनों के बीच होने का। वाओ, आप दोनों की विश पूरी होगी। अगर चाहते हो फैमिली मान जाए, फादर ब्रदर जिनका भी एक्सेप्टेंस चाहते हो वो मान जाएंगे। जो भी आप दोनों की विश है, अगर आपकी विश, अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, साथ आना चाहते हो, जरूर आप दोनों की विश पूरी होगी, डेफिनेटली होगी गाइस। इसके लिए टाइम लग सकता है, सितंबर तक आई थिंक आपकी विश पूरी हो सकती है, 9 वीक्स के अंदर, या सितंबर अक्टूबर नवंबर आपकी विश पूरी हो सकती है। बिल्कुल मुझे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रहा है आपकी विश, नवंबर नहीं देख पा रही मैं, जल्दी हो जाएगी सितंबर या अक्टूबर तक। और क्या पॉसिबिलिटीज आप दोनों के बीच होने का, प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कंप्लीशन होने का पॉसिबिलिटीज़ है, बच्चे होने का पॉसिबिलिटीज़ है, या आप दोनों साथ में आओगे, आप दोनों अपना फैमिली क्रिएट करोगे, फैमिली बनाओगे, हैप्पी फैमिली की तरह रहोगे, एक हैप्पी फैमिली होगी यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों की विश है फैमिली बनाना, फैमिली क्रिएट करना, शादी करना, तो ये होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो ख़त्म होगी, डेफिनेटली होगी। इसके लिए आपके पर्सन एफर्ट्स कर रहे हैं, आप दोनों को मिलकर एफर्ट्स करना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो मुझे करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, अगर आप दोनों ट्रू लवर्स हो तो ये हो रहा है गाइस, ओके, ये हो रहा है नेक्स्ट आपके रिश्ते में। यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एरिस लियो सजिटेरियस भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है। आपके लिए नंबर 1, 1, 1, 11, 11 काफ़ी ज़्यादा देख रहे वैसा हो सकता है, 9, 11, 17, 14, 15, 6, 16, 13, 12, 9, 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 25 के। आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपके लिए एक बार चेक कर लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, क्या है इस पर्सन के मैसेज आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे। 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन बिजी हैं अपने करियर में, अपने गोल में, ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, नई शुरुआत के लिए पर्सन हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके साथ नई शुरुआत होती है तो ये पर्सन अब आपको गिव अप कभी नहीं करेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये पर्सन के पास अच्छा खासा प्लान है, प्लान बना रहे हैं आपका साथ पाने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। ये पर्सन आपके बिना तड़पते हैं, रोते हैं, मायूस हैं, उदास हैं। इस पर्सन का हार्ट ब्रेक है, इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है आपसे बिछड़कर, अपने लवर्स, ये पर्सन आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, आप इनके प्यार हो, इनकी ज़िंदगी के आप प्यार हो। आपको जस्टिस ना दे पाने का, इस रिश्ते के साथ जस्टिस ना कर पाने का अफसोस है इस पर्सन को।
ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं है, आपको हक करना चाहते हैं, आपको गले से लगाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं और इसके लिए पर्सन रेडी हैं, प्लान बना रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए, आपको बेस्ट फ्यूचर देने के लिए। या अगेन कहना चाहूँगी, अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वह इस पर्सन को इंतज़ार है आपका, आपके आने का, कब आप इस रिश्ते के लेने के लिए कुछ करोगे उसका, ठीक है। इस पर्सन को कैरियर में भी इशू चल रहे हैं, तो ये पर्सन वहाँ पर भी सही करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इधर आपके साथ भी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन टोटली हार्ट ब्रोकन है। इनको प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जैसे अगर आप दे सकते हो तो, और बातचीत नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव एनर्जी इनको सेंड कीजिए, ओके। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर।